अब इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। नाउ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे और एग्जांपल से हम पूरा समझेंगे। तो यहां पे मेरे पास रिलेशन है आर और एस, ओके, ए बी सी डी, वन ए वन बी टू सी। यहाँ पे मेरे पास दो रिलेशन है और मैं टाइप्स ऑफ जॉइन अलग अलग अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइन क्या है? तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइन है लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। तो यहाँ पे वन बाय वन हम देखते हैं। अगर हम जॉइन परफॉर्म करते हैं तो जॉइन किस तरह से परफॉर्म करते हैं? तो यहाँ पे आर जॉइन और यहाँ पे कंडीशन होगी ए इक्वल टू सी, ओके। तो यहाँ पे ए और सी की वैल्यू जहां पे भी सेम होगी वहां पे ये जॉइन परफॉर्म करेगा। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे? ए बी सी डी और वन की वैल्यू यहां पे सेम है तो वन ए वन बी, ये मेरा सिंपल इसका आउटपुट है। नाउ यही चीज के ऊपर मैं अगर माइनर चेंज करता हूं, जैसे कि यहां पे मैं चेंज करूंगा ए इक्वल्स टू सी एस और यहां पे मैं चेंज करता हूं, तो ये क्या है? लेफ्ट आउटर जॉइन है। तो लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करेगा सिंपली? तो हमें यहां पे आउटपुट मिलेगा ए बी सी एंड डी, तो जो सेम होंगे वो पहले सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पे वन ए वन बी। नाउ ये लेफ्ट आउटर जॉइन है तो लेफ्ट आउटर जॉइन में हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड का टेबल होता है उसके सारे टपल्स आएंगे। जो सिलेक्ट होते हैं वो तो आएंगे ही, जो सिलेक्ट नहीं होते, यानी कि अगर मैं बात करूं ये टपल सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो ये टपल के सारे वैल्यूज भी यहाँ पे आएंगे। तो किस तरह से आएंगे? तो इसके बाद है टू सी, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले टेबल में कुछ मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी नल। सेम वे अगर मैं बात करूं राइट आउटर जॉइन की तो यहां पे सिंटेक्स इस तरह से होगी और आउटपुट जो होगा वो हमें इस तरह से मिलेगा ए बी सी एंड डी। तो यहां पे वन ए वन बी एंड यहां पे जो एस साइड पे जो हम राइट आउटर अप्लाई कर रहे हैं तो एस के अंदर थ्री और डी लेगा और ये नल आएगा बिकॉज ये चीज मैच नहीं हो रही है, ओके। सो ये लेफ्ट आउटर जॉइन, ये राइट आउटर जॉइन और एक और है जिसको हम बोलते हैं फुल आउटर जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन में क्या होगा? फुल आउटर जॉइन में आर जॉइन, अब ये दोनों साइड से जॉइन होगा और ए इक्वल टू सी एंड एस। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? Let us see. B, C and D. Okay. इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्ट जो वैल्यू मैच हो रही है वो आ जाएगी, तो 1A, 1B, तो ये एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जो वैल्यूज रह जाती है, यानी कि इस टेबल में जो वैल्यू रह जाती है और इस टेबल में जो वैल्यू रह जाती है वो आएगी। तो फर्स्ट हम यहां से शुरू करेंगे तो 2c रह जाता है लेकिन उसके सामने कुछ मैच नहीं हो रहा है राइट हैंड साइड वाले टेबल में, तो यहां पे नल आएगा और राइट हैंड साइड वाले टेबल की वैल्यू आएगी तो यहां पे 3 एंड डी और यहां पे ये वैल्यू उसके सामने भी कुछ मैच नहीं हो रहा है तो ये नल आएगा। तो ये है फुल आउटर जॉइन, ओके, लेफ्ट आउटर राइट आउटर एंड फुल आउटर जॉइन, ओके। ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही काम करता है लेकिन ये और कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग है, ओके। नाउ यहाँ पे सारे जॉइन परफॉर्म करने के बाद हम इसका एनालिसिस करते हैं, लाइक किस तरह से यहाँ पे मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम टपल्स देखता हूँ। मिनिमम एंड मैक्सिमम टपल्स जो मुझे मिलेगी जॉइंस में, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जॉइन, ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट से शुरू करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ पे क्रॉस है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिनिमम टपल्स क्या होंगे? एम क्रॉस एन और मैक्सिमम टपल्स भी एम क्रॉस एन होंगे क्योंकि वो सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है। नेचुरल जॉइन की बात करते हैं, ओके,
ज्वाइन के अंदर क्या होगा, कंडीशन होगी, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वर्स्ट केस क्या होगा कि यहाँ पे जीरो होंगे, और बेस्ट केस क्या होगा कि सारे टपल्स आएंगे, तो m क्रॉस n। नाउ यहां से हम शुरू करते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन की बात करते हैं, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में हम लेफ्ट हैंड साइड वाले टेबल की सारी वैल्यूज रखते हैं, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड के टपल्स की सारी वैल्यू आएगी, तो यहां पे वर्स्ट केस अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती है तो ये साइड के सारी वैल्यूज आएगी और ये सब नल आएगी, तो हमारे पास वर्स्ट केस में टपल्स क्या होंगे, वो m होंगे। m मींस नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ टपल्स इन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नाउ बेस्ट केस में क्या होगा, तो बेस्ट केस में ऑब्वियसली यहां पे आएगा m क्रॉस n, और यहां पे अगर राइट आउटर की बात करते हैं तो राइट आउटर में रिवर्स, यहां पे n आएगा और बेस्ट केस होगा m क्रॉस n। नाउ अब फुल आउटर जॉइन की बात करते हैं, तो यहां पे फुल आउटर जॉइन में, फुल आउटर जॉइन की बात करते हैं तो फुल आउटर जॉइन में थोड़ा समझने की जरूरत है कि यहां पे मिनिमम क्या होगा, तो अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मिनिमम टपल्स वर्स्ट केस में क्या होंगे, m प्लस n। ओके, हाँ आपके दिमाग में ये आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं सही हो, लेकिन रॉन्ग भी हो, बिकॉज m प्लस n हर बार नहीं होगा सही। अगर इसी टेबल की बात करते हैं तो यहां पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ टपल्स इन r, नंबर ऑफ टपल्स इन s, दोनों का प्लस किया जाए तो 4 होता है, लेकिन हमें आंसर मिल रहा है 3। ओके, तो यहां पे m प्लस n हर बार नहीं लगेगा, यहां पे लॉजिक थोड़ा अलग होगा। सपोज मान लीजिए यहां पे 1, 2 एंड 1, 3 इस तरह से यहां पे एक और वैल्यू है। ओके, एक और वैल्यू है जो यहां पे मैच कर रही है, तो यहां पे क्या होगा कि ये वैल्यू के लिए हमारे पास अदर वैल्यू नहीं है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन विद अ प्रॉपर एग्जांपल। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे पहली वैल्यू हमारी मैच हो रही है। ओके, जब पहली जो वैल्यूज मैच हो जाती है वो तो हमें लिखनी है, लेकिन जो वैल्यूज नहीं मैच होती है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो मैच नहीं हो रही है, और अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेबल है वो भी वैल्यू मैच नहीं हो रही है, तो हमारे पास टोटल ये मैच की हुई वैल्यू है और ये अनमैच्ड वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अनमैच वैल्यू होगी वो तो हमें पूरी लिखनी ही है फुल आउटर जॉइन में, वो हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यूज है वो हम लिखेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे जो मैच नहीं हो रही है, और ये वैल्यूज जो मैच हो रही है। वर्स्ट केस की बात करूं तो वर्स्ट केस ऐसा केस होगा जिसमें एक भी वैल्यू मैच नहीं होगी। अगर हम बात करें एक ऐसा टेबल जहां पे एक भी वैल्यू मैच नहीं हो रही, यहाँ पे 1, 2 एंड 3 एंड यहाँ पे 1 और 2 है। ओके, तो ये वैल्यूज मैच नहीं हो रही है, यहाँ पे भी एक भी वैल्यू नहीं है और यहाँ पे भी एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो मैच कर सके, कंडीशन सेटिस्फाई कर सके। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हम ये ट्रिपल की सारी वैल्यूज लिखेंगे, फिर ये टपल्स की सारी वैल्यूज लिखेंगे और सामने हम नल लिखेंगे। तो यहां पे वर्स्ट केस के अंदर मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n, वर्स्ट केस के अंदर, और अगर ये चीज नहीं है तो इसके साथ क्या होगा, m प्लस n, जो वैल्यूज पहले सिलेक्ट हो जाती है, जैसे कि ये वैल्यू हमारी सिलेक्ट हो गई फुल आउटर जॉइन में, तो ये होने के बाद मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n लगेगा। ओके, एंड अगर मैक्सिमम केस की बात करते हैं तो यहां पे m क्रॉस n आएगा। ओके, ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरह से वर्स्ट केस और बेस्ट केस काउंट हुआ, लेकिन हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे तो ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि यहां पे मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n एंड वर्स्ट केस में ये है और बेस्ट केस में ये है, एंड इफ यू गो विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी किस तरह से कैलकुलेट की गई है। एंड वन मोर थिंग कि ये जो सारा एनालिसिस है ये जनरल टेबल के लिए है। जनरल टेबल दैट मींस कि यहाँ पे जब तक आपको ऐसा नहीं कहा जाता क्वेश्चन के अंदर कि टेबल वन इज हैविंग अ कैंडिडेट की, नॉट हैविंग कैंडिडेट की, बोथ द टेबल्स हैव कैंडिडेट की, तो यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज होगी मिनिमम मैक्सिमम के हिसाब से। तो केस जैसा केस आपको दिया हुआ है वैसे केस के हिसाब से आपको रिएक्ट करना है, ये हर बार सही नहीं होगा। इट इज द रफ आइडिया जनरल टेबल्स जिसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तब आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।